ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ना सिर्फ ये एक बहुत सीरियस मुद्दा है, तो मुझे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बहुत दुख हो रहा है। मुझे दुख इस बात पे हो रहा है कि हमारी देश की राजनीति कितने नीचे जा सकती है। जब गौतम गंभीर जी चुनाव लड़ने आए थे तो मैंने खुद उनका स्वागत किया था। जब गौतम गंभीर जी चुनाव लड़ने आए थे, जब नॉमिनेशन के समय मिले थे, तो मैंने खुद उन्हें कहा था कि अच्छे लोग राजनीति में आए वो इस देश के लिए अच्छा है। लेकिन आज वो अपने चुनाव में कितना नीचे गिर सकते हैं वो उन्होंने और उनकी पार्टी ने दिखा दिया है। ये एक पर्चा है जो बीजेपी वालों ने गौतम गंभीर जी ने मेरी पूरी लोकसभा में अलग अलग अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में, विवेक विहार में, कृष्णा नगर में, अलग अलग हिस्सों में, न्यूज़पेपर में बांटा है। और आज जब ये पर्चा मैं मीडिया के सामने रख रही हूं तो ये पूरे देश के लिए सवाल होना चाहिए कि हमारे देश में कैसी राजनीति होती है, खासकर एक महिला के खिलाफ। मेरे जैसा इंसान राजनीति में इसलिए नहीं आया कि मुझे पैसा चाहिए था, शोहरत चाहिए थी। ये पर्चा मैं आपको पढ़ के सुना रही हूं। उन्होंने गौतम गंभीर जी की टीम ने यह पर्चा बांटा है जो कहता है आतिशी माली का नो योर कैंडिडेट। आतिशी मालीना इज कंटेस्टिंग फ्रॉम आर ईस्ट दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी एज आम आदमी पार्टी कैंडिडेट। शी इज द डॉटर ऑफ विजय कुमार सिंह एंड सिप्ता वाही एंड मैरिड टू अ क्रिश्चियन फ्रॉम आंध्र प्रदेश दैट इज अ बीफ ईटर। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्स्ड ब्रीड। फादर इज अ जाट फ्रॉम यूपी, मदर अ पंजाबी एंड अ हस्बैंड अ क्रिश्चियन फ्रॉम आंध्र प्रदेश। इन हर यूथ डेज she worked as a primary teacher in a small school in a remote village in Andhra Pradesh, where she was caught red-handed while having sex and in a compromising position with another teacher of the school. The matter got flared up and the man had to marry her under compelling circumstances. She has written in her write-up that she worked as an advisor to Manish Sisodia, the deputy CM of Delhi, with effect from 2015 to 2018. She is known for her education policies and political activism. What sort of policies she can make when she has worked only as a primary school teacher? The reality is that she is working as a gunda element for and on behalf of Kutta Kejriwal and Kanjar Sisodia. देखिए थोड़ा सीरियस मैटर है, हम लोग राजनीति करते हैं, जवाब देते हैं, हार्ड कोर जवाब देते हैं एकदम, लेकिन इस तरह की तुच्छी राजनीति एक महिला के खिलाफ जो काम कर रही है, मैं आपको, आप पर्चा पढ़िएगा, पढ़ते हुए एक पर्चे को शर्म महसूस करेंगे जिसके बारे में लिखा गया है, वो कैसे आपके सामने पढ़ते मैं पढ़ते सुना। और ये पर्चा गौतम गंभीर जी को जिताने के लिए बटवाया, गौतम गंभीर जी ने बटवाया। ये चुनाव लड़के देश बदलेंगे, ये महिलाओं के बारे में किस तरह का प्रचार करते हैं, ये चुनाव जीतने के लिए किस तरह का लिखते हैं, ये लिखते हैं कि द रियलिटी इज दैट शी इज वर्किंग एज गुंडा एलिमेंट फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ कुत्ता केजरीवाल एंड कंजर सिसोदिया। शी हैज नो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, शी हैज गॉट
she has got these words from Sisodia, who is keeping her as his keep, and has ultimately rewarded her by allowing her to contest from East Delhi. ये मेरी बहन जैसी हैं, बहन हैं। आप इतना लोग गिर सकते हो राजनीति में कि हर पार्टी में महिलाएं चुनाव लड़ती हैं, हर पार्टी में महिलाएं आगे आ रही हैं, और आप जब कोई आपको हराने की कगार पे खड़ा हुआ है, आप इस तरह की हरकत करोगे, इस तरह के पर ये अखबार में बांटा गया है पर्चा, अखबार में इंसर्ट कर करके सोसाइटीज के अंदर बांटा गया है, कोठियों में बांटा गया है, कृष्णा नगर विश्वास नगर में बांटा गया है। फर्दर गौतम गंभीर जी कहते हैं कि शी कीप्स शी थ्रेटन्स द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू देम, शी एक्सेप्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द रेट्स फिक्स्ड बाय कुत्ता केजरीवाल एंड कंजर सिसोदिया, फॉर एग्जाम्पल द रेट फिक्स्ड फॉर अलाउिंग ए प्राइवेट स्कूल टू रेज फीस इज 1 crore rupees. She is not staying with her husband because her husband has disowned her as Sisodia is fulfilling her desires of a married woman. She is an extended family of Sisodia. She is in the most confident of Kutta. She is the most confident of Kutta Kejriwal and Kanjar Sisodia. She accepts money on their behalf. Kanjar Sisodia is a scheduled caste. He is a handsome man, but SC cannot be handsome. This proves he is not born of lawful parents. His mother must have got pregnant with some handsome man from an upper caste. Atishi will also give birth to Sisodia's son. Would you like to cast your costly vote in favor of such a person who is brought on the society? She is a prostitute. Thanks. Think for once that if she wins, you will have to go to a prostitute for help or for some work. Please circulate among your members, family, and convince them not to vote for this prostitute. Be assured that we assure you that even if Congress and AAP join hands, not even a single candidate of their will win in Delhi. ये गौतम गंभीर जी की सच्चाई है, नरेंद्र मोदी जी के कैंडिडेट की सच्चाई है। मैं नरेंद्र मोदी जी से, गौतम गंभीर से खास तौर से पूछना चाहता हूं कि आप ईस्ट दिल्ली में ये करके चुनाव लड़ना चाहते हो? मनीष सिसोदिया किसकी औलाद है? आतिशी क्या करती है? इस सब पे इतना लो प्रचार करके, इतना घटिया प्रचार करके आप चुनाव जीतना चाहते हो? ये पर्चे अखबारों में डलवाए हैं, कोठियों में, अपार्टमेंट्स में, हमारे कार्यकर्ताओं ने ला ला के दिए हैं हमको कि ये पर्चे बांटे जा रहे हैं, और नीचे की जो लाइन है वो अपने आप में अश्योरेंस है कि ये बीजेपी की तरफ से आया है। वी अश्योर यू दैट इवन इफ कांग्रेस एंड आप ज्वाइन हैंड, नॉट इवन ए सिंगल कैंडिडेट ऑफ देयर्स विल विन इन दिल्ली। ये राजनीति कर रहे हैं, इसका जवाब तो परसों दो दिन बाद दिल्ली की जनता देगी, पर यह उम्मीद नहीं थी। गौतम गंभीर जी जब क्रिकेट के मैदान में खड़े होकर देश के लिए चौके छक्के लगाते, देश के लिए क्रिकेट अच्छा खेलते थे, तो हम लोग भी बैठ के तालियां बजाते थे। क्रिकेट से राजनीति में आए, ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन आप आतिशी के खिलाफ, मेरे खिलाफ इस तरह की बकवास करोगे, घटिया पर्चे बंटवाओगे, और आप सोच रहे हो आप इस देश के संसद बन जाओगे? लानत है आपके ऊपर कि आपको जनता चुन ले, लानत है कि आप इस देश के राजनीति के तहत चुनाव लड़ रहे हो। गौतम गंभीर, शर्म करो कि तुम ये पर्चे बंटवा रहे हो। मेरा गौतम गंभीर जी से सिर्फ एक सवाल है कि अगर उनके खिलाफ जो महिला कैंडिडेट चुनाव लड़ रही है, अगर वो उनके खिलाफ इस तरह के पर्चे निकाल सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, तो वो पूर्वी दिल्ली में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? अगर वो एक महिला, और मैं तो एक पढ़ी लिखी सशक्त महिला हूं, अगर वो एक महिला के खिलाफ इस तरह के पर्चे बंटवा सकते हैं, तो जो लाखों महिलाएं पूर्वी दिल्ली में रहती हैं, जो इस बात से परेशान है कि वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती, जो इस बात से परेशान है कि उन्हें सुरक्षा की जरूरत है, जब खुद कोई कैंडिडेट ऐसे पर्चे बंटवा रहा है, तो वो वहां की महिलाओं को सुरक्षा कैसे देगा? वहां की महिलाओं का सम्मान